टाइमर सिस्टम ने एक हफ्ते या 10 दिन का लगा दिया। ऐसे तो देखने पर 18 को हमारा आया तो 19, 20, 21, 22, 23, 24 आज छठा दिन है, कल सातवां होगा। कल भी मैं ट्राई करूंगा कि मेरा विड्राल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 7 दिन ये हो गया, 8वें दिन मैं ट्राई इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे 2 वॉलेट में जो है कि 10 दिन से ऊपर हो गया इसको विड्राल करने वाला, तो मैं उसमें ट्राई करूंगा। तो अपडेट यही है और सिस्टम जो है कि अपडेट हुआ है आपका पीवीसी मेटा की जो वेबसाइट है, ये क्या नाम फार्मिंग की वेबसाइट है, यह अपडेट हुई है। आप जाकर कुछ आया है? नहीं सर, आया कुछ नहीं है, अपडेट हो गया है और जो पुराना हमारा ट्रांजेक्शन दिखाता था वो सब नहीं दिखा रहा है। अच्छा, आज से दिखाएगा, आज से जो ट्रांजेक्शन होगा वो आज से दिखाएगा। मतलब हमारे में तो इसी तरह दिखा रहा है कि यानी कोई मतलब ट्रांजेक्शन नहीं दिखा रहा है। हम वहाँ जाते हैं ना क्या विड्रॉल करने के लिए, तो ट्रांसफर ट्रांजेक्शन को देखने के लिए कि हमारा डेली कितना रिलीज हो रहा है, कितना हमारा 15% कट के वहां से इधर आ रहा है, तो वो हमारा नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब कि इसको अपडेट किया गया है, चाहे रात में हुआ हो, क्योंकि कल 10 बजे तक मैं ट्राई कहीं किया तो दिखा रहा था, तो रात में 10 बजे के बाद में अपडेट में गया है। यही मतलब अपडेट है पीवीसी मेटा रिलेटेड। अब किनी सर का बिड़ाल अगर अभी 2-3 दिन पहले मंच पे ये पूछा गया तो सर ने कहा कि नहीं हमारा हुआ। अभी कल कोई सर बता रहे थे कि हम करते रहेंगे, नहीं हुआ। तो अपडेट तो मेरे को यही लग रही है कि 1 हफ्ता या 10 दिन, पहले भी सिस्टम ने ऐसा किया था कि 1 हफ्ते के बाद 48 घंटे 72 घंटे, उसके बाद फिर 1 हफ्ता, फिर 10 दिन का उसने बार्डिशन रखा था। तो हो सकता है विड्राल एक बार लगने के बाद 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद विड्राल हो, यही अपडेट है सर। नहीं 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 सर, नहीं सर, जितेंद्र सर जी बताइए सर, बोलिए सर, आप अपनी बात रखें जी। अभी 24-48 घंटे में विड्रॉ तो हो रहे हैं, बट आपने जो कहा कि 8 दिन से हमारे विड्रॉ नहीं हो रहे हैं, तो दरअसल क्या है कि उसमें एक लिमिट लगा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, तो वो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, लिक्विडिटी जी, लिक्विडिटी के अनुसार जो लिमिट है बना हुआ जी, उतना पीवीसी मेटा जब विड्रॉ हो जाता है ना, तो मेरा 24 घंटा हुआ या 48 घंटा हुआ या 1 सप्ताह हो गया, इसके बाद हम लिख देता है तो क्या होता है कि विड्रो नहीं होता है, फिर हम समझते हैं कि हमारा जो है विड्रो हो नहीं रहा है या सिस्टम नहीं रहा है। अभी सुनिए मेरी बात, अभी जो स्क्रीन शेयर था उस पर जो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है कि जो आज की लिमिट है वो पूरी हो गई, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप हमारी बात सुनिए पहले ध्यान से। और ये जो है वो 5:43 में ही खत्म हो गया, चूंकि मैं भी आज कर रहा था है ना विड्रो, कोई बात नहीं, वो जब खत्म हो जाएगा वो 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ बोलिए जितेंद्र जी, आप बोलिए। सर ने कहा कि लिक्विड लिमिट के हिसाब से, तो पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं 5:25 से पहले मैं एंट्री कर जाता हूँ, एंट्री करने के बाद वहां पर सबसे पहले मैं जाकर ट्रांजेक्शन व्यू को मारता हूँ कि हाँ हमारा यहाँ से मतलब क्लियर है कि नहीं, मतलब अच्छी तरह से हमारा पेज खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो ट्रांजेक्शन व्यू पे जाते हैं, उसको हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो खुल जाता है, खुलने के बाद एक बार क्लिक कर देते हैं हम क्या नाम है पीवीसी मेटा गेट आईओ को, वहां क्लिक करते हैं तो रेड लिख कर आता है 4:29:50 पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करता हूँ कर देता हूँ, जैसे ही घूमता है तो 2-4 सेकंड 10 सेकंड तो ऐसे ही कट जाता है, सभी सर लोग को मालूम है कि वहां पर करने पर एकदम मेरे मोबाइल में 30 हो जाता है। 30 होने के बाद करते 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 वो 30:30 तक ले खुलता है, तो 30:30 पे जब खुलता था पहले में, मैं आपको बता रहा हूँ, तो कॉलम खुलती थी, 30:30 पे नहीं खुलता है, वो लिख कर देता है
फिर उसके बाद एक बार ट्राई कर, ऐसे मतलब हर सेकंड ट्राई करते करते करते। और आपने सही कहा कि आज 5:43 तक, यानी 5:43-44 तक ले वेबसाइट मतलब दबाव में चली, और 45 के बाद ये एकदम धड़ाधड़ चलने लगी। यानी यहाँ पर मतलब आपको कोई वो नहीं था, आगे पीछे जहाँ जिस पेज पे जाना है कोई रुकावट मतलब रुकावट नहीं थी, ये बात सही है। लेकिन आपने जो ये कहा कि नहीं विड्रॉल हो रहा है, सर जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 18 को मैंने विड्रॉल किया, तो 19 और 20 मुझे मालूम है कि दो दिन मेरा नहीं निकलेगा, लेकिन 21 को तो निकलना चाहिए ना, तो 21 को भी मैं उसी समय, 22 को भी उसी समय, 23 को भी उसी समय, आज 24 तारीख है उसी समय, तो क्यों क्यों मेरा उस तरफ से लिख कर आ गया जो आप कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है। जी जितेंद्र सर मैं बताता, मैं इसलिए कहा प्रूफ के साथ, मैंने 48 घंटा पहले विड्रो किया था और फिर 48 घंटे के बाद आज कल मैंने फिर विड्रो किया। जी जी आपका हुआ? जी हाँ मेरा हुआ। और आप ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं तो अभी ओपन हो तो मैं ट्रांजेक्शन दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देख लीजिए आपकी वहाँ पर अपडेट हुआ है, हमारे में तो भाई अपडेट दिखा रहा है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिख रहा। बट एक चीज मैं और बता दूं आपको, जी जी, कि ट्रस्ट वॉलेट से काम करेंगे तो बिल्कुल अभी पहचान लें लोग, है ना, मेटामास्क में आने के लिए कर रहा है जी। और मेटामास्क से यदि आप काम करते हैं तो बहुत फास्ट खुलता है जी, और विड्रो भी हो जाता है आसानी से। मैंने उसी से विड्रो किया था। हो सकता है जी जी, यही प्रॉब्लम है सर, हो नहीं सकता है बल्कि यही प्रॉब्लम है लेटेस्ट वर्जन, यानी ट्रस्ट वॉलेट को क्या कर रहा है सिस्टम, जी मेरी बात पूरा सुने। जी जी, ट्रस्ट वॉलेट को कह रहा है कि आप, मतलब वो सिस्टम बता नहीं रहा है बल्कि सिस्टम ये बता रहा है कि आप मेटामास्क में जाइए और वहां से काम कीजिए, ठीक है जी, बट मैं बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ट्रस्ट वॉलेट में कुछ अपडेट है और वह हम प्ले स्टोर से जब अपडेट कर रहे हैं तो वो होता नहीं है जी, टेक्निकल जी जी वहां से नहीं होता है। इसलिए क्या करना है कि ट्रस्ट वॉलेट को पूरा जो भी हमारा फेजर है की है उसे बहुत अच्छे तरह से लिख लेना है, 2-4 आईडी है, 10 आईडी है सभी का जी, आराम से कम एक ही आईडी को कम से कम 5-10 बार मिलान करना है कि हाँ बिल्कुल ये सही है, फिर दूसरा आईडी की को आप मिलान करें 2-10 बार, फिर उसको हटाएं डिलीट करें, और फिर इस तरह से पूरा हमारा जो ट्रस्ट वॉलेट है की को मिलाने के बाद फिर एक बार रीचेक करके हमें क्या करना है, ट्रस्ट वॉलेट को डिलीट कर देना है हमारे मोबाइल से, यानी अनइंस्टॉल कर देना है। जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं कि हाँ मेरा की सही है करके, तब जा करके डिलीट करना, ऐसा नहीं कि पहले गए और हमने डिलीट कर दिया। जरा ध्यान से सुनिएगा सभी साथी,